हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ऐसे बेस थ्योरी के बारे में। आपको कुछ बेसिक्स नॉलेज तो होगा ही होगा, आपने 9th 10th तक आपने पढ़ा होगा कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है। ठीक है, एक जनरल से अगर हम बात करते हैं तो एसिड जो होते हैं आपने पढ़ा होगा कि एसिड का जो टेस्ट होता है वो खट्टा टेस्ट होता है, यानी शार्प टेस्ट होता है। और बेस जो होते हैं उनका जो टेस्ट होता है वो होता है बीटर टाइप, यानी कड़वा होता है। ठीक है, और आप इनका आइडेंटिफिकेशन भी अलग अलग मेथड से करते हैं। आप पीएच स्केल यूज करके कर सकते हैं, लिटमस पेपर यूज करके कर सकते हैं। ठीक है, कुछ इंडिकेटर्स आते हैं जो आपको आइडेंटिफाई करवाते हैं कि एसिड है या फिर बेस है। ठीक है, आप किसी भी एसिड की एसिडिटी बता कर सकते हैं कितनी होती है। तो ये कुछ मेथड्स होते हैं जिससे आप यूज करके आप बता सकते हैं कि एसिड है या फिर बेस है। ठीक है, अब हम बात करेंगे एसिड बेस को एक्सप्लेन करने के लिए जो साइंटिस्ट ने अपनी अपनी थ्योरीज दी थी उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो तीन टाइप की थ्योरीज आपको पढ़नी होती है। अब ये वीडियो 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए भी है क्योंकि 10th क्लास के सिलेबस में भी आता है एसिड बेस थ्योरी, 11th क्लास में भी आता है एसिड बेस थ्योरी। ठीक है, तो दोनों के लिए है, आप दोनों देख सकते हैं। देखिए, एसिड बेस थ्योरी के अंदर आपको तीन टाइप की थ्योरी पढ़नी पड़ती है। फर्स्ट इज अरहेनियस थ्योरी, एंड सेकंड इज ब्रोस्टेड लेयर थ्योरी, एंड थर्ड इज लुईस थ्योरी। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं अरहेनियस थ्योरी के बारे में। देखो, अरहेनियस थ्योरी बहुत ही सिंपल सी थ्योरी है, अरहेनियस थ्योरी। ओके, तो अरहेनियस थ्योरी बहुत ही सिंपल टाइप की थ्योरी है। इसके अकॉर्डिंग एसिड कौन होते हैं, ये बोलता है अरहेनियस, बोलते हैं कि एसिड आर एच प्लस डोनेटर एंड बेस आर ओएच माइनस डोनेटर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अरहेनियस एसिड क्या होते हैं, जो एच प्लस को डोनेट करते हैं और जो बेस जो होते हैं वो क्या करते हैं, ओएच माइनस आयन को डोनेट करते हैं। ठीक है, बट इसके अंदर उन्होंने एक कंडीशन बोली कि ये जो प्रोसेस होगी वो एक्वस सॉल्यूशन में होगी, एन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, तो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जो सब्सटेंस आपको H+ डोनेट कर H+ देता है वो क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा, और जो OH- माइनस आयन देता है वो क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल लेकर के समझते हैं कि आपके पास में कोई HA है, ठीक है, और इसको आपने एक्वस सॉल्यूशन में डाला है, तो ये एक्वस सॉल्यूशन में क्या होगा, एक्वस सॉल्यूशन में डाला और आपको मिलता है H+ ए माइनस कोई प्रोडक्ट मिलता है, तो इसने आपको क्या दिया, एच प्लस दे दिया। दिस इसका मतलब क्या हो गया, दिस इज अरहेनियस एसिड। ठीक है, दिस इज अरहेनियस एसिड। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं, देखिए HCl हो गया, ठीक है, HF हो गया, HBr, HI, ठीक है, H2SO4, H3PO4, ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एटसेट्रा आप एग्जाम्पल्स ले सकते हो एसिड के जो कि अरहेनियस एसिड कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, कोई आपके पास में सब्सटेंस है MOH, इसको आपने एक और सॉल्यूशन में डाला और इस देता है आपको M+ OH- आयन। OH- आयन को आप बोलते हो हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हो आप, हाइड्रोनियम आयन। तो जो एक और सॉल्यूशन के अंदर आपको हाइड्रोनियम आयन देता है उसको आप क्या बोलते हो, बेस बोलते हो। दिस इज अरहेनियस बेस। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, एग्जाम्पल आ जाएगा NaOH एंड KOH, KOH एंड आ जाएगा आपका CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, तो ऐसे और भी आप देख सकते हो बेस। तो ये हो गया अरहेनियस बेस और ये हो गया आपके अरहेनियस एसिड। अब देखो HCl की अगर हम बात करें कि कोई भी जो एसिड होता है वो H+ क्यों डोनेट करता है, तो HCl की अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो HCl के अंदर जो बॉन्डिंग होती है वो होती है कोवेलेंट बॉन्डिंग। और अगर हम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस की बात करें तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, तो ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होंगे वो किसकी तरफ अट्रैक्टेड रहेंगे, क्लोरीन की तरफ अट्रैक्टेड रहेंगे। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा कि इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, और H2O की हेल्प के द्वारा ये बॉन्ड जो होता है ब्रेक हो जाता है। तो जैसे ही हम इसको पानी में डिजोल्व करते हैं तो H+ बाहर निकल जाता है और Cl- अलग हो जाता है। ठीक है, सेम ऐसी प्रोसेस होती है, वाटर की हेल्प से सोडियम आयन बन जाता है और हाइड्रोनियम आयन अलग हो जाता है। ठीक है, तो ये एसिड बेस के लिए अरहेनियस की थ्योरी थी। इस थ्योरी की बहुत सारी लिमिटेशंस थी इस थ्योरी के। ठीक है, पहली तो लिमिटेशन ये थी कि सिर्फ और सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ही हम किसी भी सब्सटेंस के एसिडिक और बेसिक नेचर को बता सकते हैं, यानी कि कोई सब्सटेंस एसिड है या फिर बेस है तो वो सिर्फ अपनी एसिडिटी या फिर बेसिसिटी को एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ही बता सकता है। ठीक है, दूसरे कोई सॉल्यूशन के अंदर वो अपनी एसिडिटी को शो नहीं करेगा। तो ये इसकी बहुत बड़ी इसका लिमिटेशन होता है, ड्रॉबैक्स होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ब्रोस्टेड लेयर थ्योरी। ठीक है, अरहेनियस थ्योरी हमने पढ़ी थी, बट अरहेनियस थ्योरी के अंदर बहुत सारी लिमिटेशन थी। पहली जो लिमिटेशन थी वो सिर्फ और सिर्फ
सॉल्यूशन के अंदर अप्लीकेबल थी। ठीक है, तो इस कारण जो है वो बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस है जिसकी एसिडिटी बेसिडिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाते। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट थ्योरी के बारे में, जो है ब्रोस्टेड लेवरी थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इज बेस्ड अपॉन प्रोटोन। ठीक है, ये थ्योरी जो होती है वो प्रोटोन पर बेस्ड होती है। ठीक है, तो आप बोल सकते हो प्रोटोन बेस्ड थ्योरी। इसके अंदर क्या बोलता है कि जो एसिड होता है, ठीक है, एसिड जो होता है वो H+ डोनेटर होता है। H+ को आप क्या बोलते हो, प्रोटोन बोलते हो। ठीक है, बेस जो होता है वो क्या होता है, H+ को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, यानी एसिड आर प्रोटोन डोनेटर एंड बेस आर प्रोटोन एक्सेप्टर, यानी प्रोटोन इज एवरीवेयर। ओके, नाउ यू आर वॉचिंग प्रोटोन, सो कीप वॉचिंग। ठीक है, एसिड क्या होते हैं, H+ डोनेटर होते हैं, और बेस जो होते हैं वो H+ एक्सेप्टर होते हैं। और ये थ्योरी हर सॉल्यूशन में एप्लीकेबल होती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि HCl आपके पास में है, HCl की रिएक्शन आपने वैसे माइनस आयन के साथ करवाई, यानी हाइड्रोनियम आयन के साथ करवा दी, तो जब प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट बनेगा Cl- H2O वाटर बनेगा। ठीक है, इस रिएक्शन को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो ये जो HCl है, ये जो HCl है ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Cl- में कन्वर्ट हो रहा है, और OH- जो है वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, H2 में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसकी अगर हम गहराई को देखें तो गहराई आपको क्या दिखेगी, गहराई के अंदर कुछ नहीं दिखेगा। ये जो HCl है इसमें से हाइड्रोजन निकल जाता है, यानी इसने क्या किया है, H+ को डोनेट कर दिया। ठीक है, इसके पास दिस इज H+ डोनेटर, ये डोनेट कर दिया। ठीक है, यहां से हाइड्रोजन निकल गया, Cl- बच गया। OH- में हाइड्रोजन क्या हो गया, जुड़ गया, यानी एक्सेप्ट कर लिया इसने, है ना, इसने H+ की रिक्वेस्ट जो थी वो एक्सेप्ट कर ली और अटैच कर लिया अपने साथ, तो क्या बना दिया, H2 बना दिया। ठीक है, तो यहां क्या हो रहा था, डोनेट हो रहा था, तो ये क्या हो जाएगा, ब्रोस्टेड एसिड हो जाएगा। और इसने क्या किया, इसने एक्सेप्ट कर लिया, तो ये क्या हो जाएगा, ब्रोस्टेड बेस हो जाएगा। ठीक है, इसको बीबी कोई नहीं बोलेगा, इसको ब्रोस्टेड बेस ही बोलेंगे आप लोग। ठीक है, इसको BA नहीं बोलेगा, ब्रोस्टेड एसिड नहीं बोलेंगे। अब देखिए, जो ब्रोस्टेड एसिड होते हैं उनके कुछ कंजुगेट्स होते हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है, जो ब्रोस्टेड एसिड होता है उसका कंजुगेट बनता है, कंजुगेट 20 बनता है। क्या बनता है, कंजुगेट 20 बनता है। ठीक है, पहले आप समझे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंजुगेट। कंजुगेट क्या होता है, कंजुगेट होता है करस्पॉन्डिंग, है ना, इसको हम ये भी बोल सकते हैं, यानी जो किसी दूसरे से मिलकर बना, जैसे Cl- है। ठीक, ये किससे बना है, ये HCl से बना, HCl में से हाइड्रोजन निकला तब जाकर के Cl- बना, तो ये इसका करस्पॉन्डिंग है। ठीक है, यानी ये इसका Cl- जो है इसका कंजुगेट है। अब ये ब्रोस्टेड एसिड है तो ये क्या हो जाएगा, कंजुगेट 20 हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं ब्रोस्टेड बेस की, ठीक है, ब्रोस्टेड बेस जो होता है उसका कॉन्जुगेट क्या होगा, उसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, एसिड। तो आपको ध्यान रखना है, जो ब्रोस्टेड एसिड होते हैं उनके कॉन्जुगेट बेस होते हैं, जो ब्रोस्टेड बेस होते हैं उनके कॉन्जुगेट एसिड होते हैं। ओके, देखिए अब अगर हम बात करें एसिड और बेस को, दो आगे कैटेगरी के अंदर क्लासिफाई करते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। तो ध्यान रखें कि स्ट्रॉन्ग जो एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट जो होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस बनता है, और उसकी जो नेचर होती है वो कैसी होती है, वीक नेचर का होता है। और अगर वो वीक एसिड है और उसका कॉन्जुगेट क्या बन रहा है, उसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा, बेस ही बनेगा। एसिड का कॉन्जुगेट बेस होता है, बेस का कॉन्जुगेट एसिड होता है। ठीक है, तो वीक एसिड ले रखा है आपने, तो उसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग नेचर का वो होगा। तो ये थी ब्रोस्टेड लेवरी थ्योरी। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आप ये बोलते हैं कि जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं वो होते हैं बेस, जो प्रोटॉन डोनर होते हैं वो क्या होते हैं, एसिड होते हैं। ठीक है, और ये किसी भी सॉल्यूशन के अंदर एप्लीकेबल हो सकती है। तो हम कुछ रिएक्शंस देखते हैं जो अलग अलग सॉल्यूशन के अंदर हम करवा के देखेंगे, इससे हम प्रूव करेंगे कि ये जो थ्योरी है वो 100% सही है या नहीं है। उसके बाद हम इसके ड्रॉबैक्स भी देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हम कुछ रिएक्शंस देख लेते हैं जिसके अंदर हम ये प्रूव कर सकते हैं इस ब्रोस्टेड थ्योरी। देखिए, अभी हमने कुछ बातें कही थी कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उसका जो कॉन्जुगेट बनते हैं, ठीक है, कॉन्जुगेट बेस बनता है, और इसकी जो नेचर होती है वो क्या होती है, वीक होती है, और वीक एसिड की जो नेचर होती है वो क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, इस कॉन्जुगेट बेस बनता है जो स्ट्रॉन्ग बनता है। इसको अपन देखते हैं एग्जाम्पल लेकर के। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास में पड़ा है कि आपने HCl की रिएक्शन करवा दी H2O के साथ, ठीक है,
H2O react with HCl, if HCl react with H2O, then the product is product क्या बनेगा? Cl minus plus H3O plus, ठीक है? तो ये है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और ये इसका कॉन्जुगेट है, तो इसकी जो नेचर होगी वो वीक बेस बन जाएगा, ठीक है? दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड और ये इसका कॉन्जुगेट है, तो इसकी जो नेचर हो जाएगी वो वीक बेस बन जाएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट आपके पास पड़ा है CH3COOH, इसकी रिएक्शन अगर हम बात करवाते हैं H2O के साथ, तो जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट बनता है H3O प्लस प्लस C2H5O, ठीक है? C2H5 सॉरी सॉरी, दिस इज CH3COO-, ये प्रोडक्ट बनेगा। और ये देखिए, ये होता है वीक एसिड और ये इसका कॉन्जुगेट है, तो ये क्या बन जाएगा? स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है? तो हमने ये दोनों चीजों को प्रूव कर दिया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कि अगर हम किसी भी सब्सटेंस को किसी भी सॉल्यूशन में डालते हैं, उसके एसिडिक नेचर पता चलती है या नहीं चलती। देखें फॉर एग्जाम्पल के अगर हम रिएक्शन करवाते हैं, HCl जो है आपके पास, HCl को आप अमोनिया के अंदर डाल देते हैं, तो जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट बनता है NH4 प्लस प्लस क्या बनेगा? Cl माइनस, ये प्रोडक्ट बनेगा। तो दिस इज ब्रोस्टेट एसिड, दिस इज ब्रोस्टेट बेस, ठीक है? इसने क्या कर दिया, इस प्लस को डोनेट कर दिया, तो ये एसिड हो गया और ये बेस हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम लेते हैं कि HNO3 है, अब हम अमोनिया की जगह क्या यूज कर लेते हैं? अल्कोहल यूज कर लेते हैं, तो C2H5OH, ठीक है? इसके अंदर हम डालते हैं तो क्या रिएक्शन होती है? बिल्कुल होती है रिएक्शन। ये HNO3 क्या करेगा? इस प्लस को डोनेट कर देगा और ये इसको गेन कर लेगा, तो प्रोडक्ट बनेगा C2H5OH2 प्लस प्लस NO3 माइनस, ये क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? ब्रोस्टेट एसिड हो जाएगा और ये ब्रोस्टेट बेस हो जाएगा, ठीक है? इसने एच प्लस को डोनेट कर दिया, इसने एच प्लस को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है? नेक्स्ट अगर हम बात करें, अब देखो इसकी एक और एडवांटेज होती है, क्या एडवांटेज है? ये आयंस की भी एसिडिटी को बता सकता है, ठीक है? आयन की एसिडिटी को भी बता सकता है, बेसिक नेचर को भी बता सकता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि आपके पास में NH4+ है, ठीक है? NH4+ में आपने इसको किस में डाल दिया? H2O में डाल दिया, ठीक है? NH4+ है और इसको आपने डाल दिया H2O में, तो बनेगा H3O+ प्लस NH3, ठीक है? यानी इसने क्या किया, एक एच प्लस को डोनेट किया, इसने एक्सेप्ट कर लिया और ये बन गया और NH3 बन गया। दिस इज ब्रोस्टेड एसिड और दिस इज ब्रोस्टेड बेस। नेक्स्ट एग्जाम्पल और लेते हैं, देखिए जिसके अंदर हम बात करते हैं HSO4-2, ठीक है? इसकी अगर हम बात करें तो इसके अंदर अगर हम रिएक्शन करवाते हैं H2O की, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? H3O+ प्लस SO2-2, ठीक है? ये प्रोडक्ट बन जाएगा और ये क्या हो जाएगा? ब्रोस्टेड एसिड हो जाएगा और ये ब्रोस्टेड बेस हो जाएगा। तो इसका एक मेन एडवांटेज ये भी होता है कि ये आयंस की भी एसिडिक और बेसिक नेचर को शो करवा देता है, ठीक है? ये थी एसिडिक और बेसिक नेचर की। अब इस थ्योरी के भी कुछ लिमिटेशंस होती है। इस थ्योरी की लिमिटेशंस क्या है? पहली लिमिटेशन ये होती है कि जिन कंपाउंड के पास एच प्लस नहीं होता है या एच माइनस आयंस नहीं होते हैं, ठीक है, उनकी भी एसिडिक नेचर को उस इस कॉन्सेप्ट से या फिर अरेनियस कॉन्सेप्ट से नहीं समझा सकते, ठीक है? तो उसके लिए नई थ्योरी दी गई थी जिसका नाम था लुईस एसिड बेस थ्योरी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट लास्ट टाइप ऑफ थ्योरी व्हिच इज एस लुईस एसिड बेस थ्योरी, ठीक है? अकॉर्डिंग टू लुईस थ्योरी, एसिड आर लोन पेयर एक्सेप्टर एंड बेस आर लोन पेयर डोनर। जो लोन पेयर को डोनेट करते हैं वो क्या कहलाते हैं? बेस कहलाते हैं। जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं वो क्या कहलाते हैं? एसिड कहलाते हैं। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल NH3 है आपके पास में, इसकी रिएक्शन आप BF3 के साथ करवाते हो। आपको पता है कि NH3 के पास लोन पेयर होता है, ये लोन पेयर किसको डोनेट कर देता है? ये BF3 को डोनेट कर देता है और प्रोडक्ट बनता है। इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन जाएगा, NH3 BF3, नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज। इसने डोनेट किया है तो ये लुईस बेस हो जाएगा, इसने एक्सेप्ट किया तो ये लुईस एसिड हो जाएगा, ठीक है? तो इसका मेन एडवांटेज ये होता है कि ये उन कंपाउंड्स की भी एसिडिक नेचर या फिर बेसिक नेचर को एक्सप्लेन करता है जिनके पास एच प्लस आयंस नहीं होते या फिर एच माइनस आयंस नहीं होते। जैसे फॉर एग्जाम्पल BF3 जो होता है, इनके पास एच प्लस आयंस नहीं है लेकिन फिर भी ये लुईस एसिड है, ठीक है? तो इसकी एसिडिक नेचर को सिर्फ और सिर्फ आप किससे एक्सप्लेन कर सकते हो?
लुईस एसिड बेस थ्योरी से एक्सप्लेन कर सकते हो, इसकी एसिड नेचर को आप अरहेनियस थ्योरी या फिर ब्रॉस्टेड थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ओके चलिए, अब हम कुछ कंडीशन देखते हैं लुईस एसिड के लिए एंड लुईस बेस के। चलिए साहब देखिए, लुईस एसिड कब कब होंगे, पहली कंडीशन आती है कि जो सेंट्रल एटम होता है उसका जो ऑक्टेट होता है वो इनकम्प्लीट होना चाहिए। तो सेंट्रल एटम हैज इनकम्प्लीट ऑक्टेट होना चाहिए। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जैसे BF3 के पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है, BCl3 में होता है, AlCl3 में होता है, ठीक है, MgCl2 में होता है, इस टाइप के जो होते हैं जिसके पास सेंट्रल एटम में इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है वो लुईस एसिड होते हैं। सेकेंड कंडीशन सिंपल कैटायन, ठीक है, सिंपल कैटायन को भी लुईस एसिड के अंदर कंसिडर किया जाता है। एग्जाम्पल H+, Li+, Na+, Mg+2, ठीक है, इस टाइप के। NH4+, PH4+, इस टाइप के जो कैटायन्स होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स कैटायन होते हैं, इनको लुईस एसिड के अंदर कंसिडर नहीं किया जाता। ओके चलिए थर्ड टाइप का देखते हैं। थर्ड टाइप होता है कि सेंट्रल एटम में डी ऑर्बिटल जो होता है वो फ्री होना चाहिए, यानी एम्प्टी डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होना चाहिए, यानी सेंट्रल एटम हैव एम्प्टी डी ऑर्बिटल, ठीक है, ये एम्प्टी डी ऑर्बिटल नहीं होगा तो वो लोग मेरे को डालेगा कहां पे, है ना, कुछ जगह तो होनी चाहिए डालने के लिए, तो एम्प्टी डी ऑर्बिटल होना जरूरी है किसी भी लुईस एसिड के लिए। तो एग्जाम्पल अगर हम बात करें, SiCl2 हो गया, ठीक है, अगर हम बात करें SO2 हो गया, ठीक है, SO3 हो गया, ठीक है, तो इस टाइप के जो होते हैं जिसके पास HCl4 हो गया, ठीक है, तो इस टाइप के पास क्या होना चाहिए, आपके डी ऑर्बिटल जो है वो फ्री होने चाहिए, यानी एम्प्टी डी ऑर्बिटल आर प्रेजेंट इन सेंट्रल। अब लुईस बेस की बात करते हैं, लुईस बेस के लिए पहली कंडीशन आती है न्यूट्रल एटम, सॉरी न्यूट्रल एटम, ठीक है, न्यूट्रल एटम्स होते हैं, होने चाहिए, न्यूट्रल स्पीशीज बोल सकते हैं आप, न्यूट्रल स्पीशीज। न्यूट्रल स्पीशीज एग्जांपल की बात करें अगर हम, जैसे H2 हो गया, NH3 हो गया, ठीक है, C2H5OH हो गया, ये सब सारी की सारी न्यूट्रल है, इनके पास लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, जैसे इसमें ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास है, ऑक्सीजन के पास है, ठीक है, तो इनको क्या बोला जाता है, न्यूट्रल स्पीशीज बोला जाता है। तो ये किसके अंदर कंसिडर किया जाता है, लुईस बेस के अंदर। सेकेंड जो कंडीशन आती है वो आती है नेगेटिव आयन, जितने भी नेगेटिव आयन्स होते हैं उनको किसके अंदर कंसिडर किया जाता है, लुईस बेस के अंदर कंसिडर किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, SO2-2 हो गया, ठीक है, CN- हो गया, ठीक है, तो जितने भी नेगेटिव आयन्स होते हैं उनको लुईस बेस के अंदर कंसिडर किया जाता है। तो ये थी लुईस एसिड बेस थ्योरी, ठीक है, ओके। एंड आज की वीडियो के अंदर हमने बात की है तीन टाइप ऑफ थ्योरीज के बारे में, फर्स्ट इज आरहेनियस थ्योरी, एंड सेकंड इज ब्रोस्टेड लोरी थ्योरी, एंड थर्ड इज लुईस थ्योरी। ओके, आई होप आपको ये सारी की सारी थ्योरी क्लियर हो गई होगी, आपको समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा। एंड अगर आपको इन तीनों थ्योरी के अंदर कोई भी डाउट आ रहा है तो आप उसको कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं, हम जल्दी से जल्दी उसको आपका सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है, डाउट को। एंड इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस वीडियो के अंदर कमेंट कीजिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो, ठीक है। एंड प्रोटोन द केमिस्ट्री क्लास को सब्सक्राइब कीजिए, एंड इसके पास का जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप प्रोटोन के किसी भी अपडेट को मिस ना करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।